हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IKTU यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश के बारे में। IKTU से संबंधित सभी छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना ही है, यानी कि आपके ऑड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया, ऑड सेमेस्टर के एग्जाम्स प्लस बैक पेपर के एग्जाम से संबंधित अपडेट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा ही होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम IKTU से संबंधित वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग ये न्यूज पढ़ सकते हैं, IKTU जनवरी में होगी परीक्षा, छुट्टे विद्यार्थियों को मिलेगा मौका। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको पूरी न्यूज पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या न्यूज है। 21 नवंबर तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की विषम सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी में शुरू होगी। कोरोना के चलते परीक्षा से वंचित फाइनल ईयर के छात्रों को पहले मौका दिया जाएगा, इसके बाद अन्य सेमेस्टर के कैरी ओवर फिर रेगुलर छात्रों की परीक्षा होगी। हालांकि इसमें अभी फर्स्ट ईयर की परीक्षा से सबसे अंत में आयोजित करने की तैयारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, 21 नवंबर से आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। और यहाँ पे ये बात भी दे रखी है, जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम छूट गया था फाइनल ईयर का कोरोना के चलते, पहले उनके एग्जाम्स होंगे, उसके बाद बैक पेपर के एग्जाम्स होंगे यानी कि कैरी ओवर के, उसके बाद यहाँ पे फाइनल ईयर के छात्रों के एग्जाम्स होंगे। फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं जो सबसे अंत में कराई जाएंगी। VV में परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी हो गई है। VV प्रशासन की छात्रहित में पहली कोशिश, कोरोना काल में परीक्षा न दे पाने वाले या किसी कारण से परीक्षा छुटे छात्रों को राहत देने की है। बता दें कि चलते फाइनल ईयर की परीक्षा का आयोजन किया गया था, वह भी काफी देर से, इसके बाद भी कुछ छात्र इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। अब जब स्थिति थोड़ी ठीक हुई है तो परीक्षा में ऐसे छात्रों को पहले अवसर दिया जाएगा ताकि उनकी डिग्री आदि समय से जारी हो जाए। ऐसे छात्रों का साल भी पुराना ही रहेगा। इसी क्रम में अन्य छात्रों की परीक्षा होगी। परीक्षा में लगभग 2.30 लाख छात्र शामिल होंगे। हालांकि छात्र ऑनलाइन क्लासेस से बहुत संतुष्ट नहीं है। जी हां दोस्तों, यानी कि जिन छात्रों के एग्जाम्स छूट गए थे कोरोना के चलते, उनके पहले एग्जाम्स होंगे और ईयर जो है उनका वो पुराना वाला ही रहेगा, यानी कि उनका साल बर्बाद नहीं होने का। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजीव कुमार ने बताया कि सभी कॉलेजेस को पत्र भेजकर कहा है कि स्तर 2020-21 के विषम सेमेस्टर स्नातक प्रस्नातक यानी कि ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के रेगुलर कैरियर की परीक्षा के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं जो 21 नवंबर तक भरे जाएंगे। यदि कॉलेजेस के छात्रों हाजिरी AMS पर अपलोड नहीं है तो वे परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उन्होंने क्लासेस से निर्धारित समय में परीक्षा फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि पूर्व में हुए निर्णय के अनुसार पहले छूटे छात्रों की, फिर कैरियर की, इसके बाद सेकेंड थर्ड व फोर्थ ईयर के छात्रों की परीक्षा होगी। फर्स्ट ईयर की परीक्षा सबसे अंत में लगभग फरवरी में होगी। ये परीक्षा अन्य सेमेस्टर से ज्यादा समय लगभग 1.5 महीने तक चलेगी। इसके लिए इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की अपडेट, यानी कि जो आपके एग्जाम्स हैं वो जनवरी में होंगे। सबसे पहले यहाँ पे जिन छात्रों का साल छूट गया था यानी कि कोरोना में उन्होंने अपने एग्जाम्स नहीं दिए थे उनके होंगे, उसके बाद यहाँ पे ईयर के, फिर फाइनल ईयर के, देन सब बाकी छात्रों के एग्जाम्स होंगे। फर्स्ट ईयर के सबसे लास्ट में एग्जाम्स कराए जाएंगे, यहां पर ये बात भी दे रखी है। और IKTU से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।